सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल लॉलीजियर को और दबा दीजिए इस बेल आइकन के निशान को ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉलीजियर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बैंक पीओ का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे। दोस्तों इसकी वैकेंसी अभी हाल में निकली SBI पीओ की, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर। दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर्म स्टार्टिंग यहाँ पे 2/4/2019 यानी आज से ये फॉर्म स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट जो है 22/4/2019 है। दोस्तों आप चाहो तो डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन पे आके आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके इस वैकेंसी पे आ सकते हो, यानी इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इसमें ऐसा नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे देखिए इसकी वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट देखिए दोस्तों www.sbi.co.in/careers। इस वेबसाइट पे भी आप गूगल पर टाइप करके आ सकते हो दोस्तों, जैसे भी आपकी सुविधा अनुसार हो आप उस प्रकार से आप कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देखिए www.sbi.co.in/careers ये आप जैसे इस पे फिल करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे कि मैं आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे नंबरिंग चल रही है, यहाँ पे देखिए टैक्सेस चल रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से। आपको इनमें से किसी भी एक पर आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देखिए इसकी लास्ट डेट दिखा रही है कि आपको 2/4/2019 से लास्ट डेट है इसकी 22/4/2019। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। इस वाली पे मैंने इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ हमें इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इससे पहले यदि आप इसके एडवर्टाइजमेंट चाहते हो तो यहाँ पे इसको क्लिक करके आप इसका एडवर्टाइजमेंट भी ले सकते हो, यानी जितनी भी आपको जो जरूरत पड़ती है वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा और दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका नोटिफिकेशन में दे दूंगा कि इसमें आपको क्या क्या जरूरत है, ठीक है। तो जैसे मैं अप्लाई अपने आप पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप यदि आप पहले से रजिस्टर हो तो आप यहाँ पे रजिस्टर नंबर पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट पे क्लिक कर लेना है। यदि आपने फर्स्ट टाइम करना चाहते हो यहाँ आपको सिंपल से यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी सारी, आप इसको पढ़ लो चाहे तो मैंने इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, कंफर्म फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, कंफर्म फिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है, कंफर्म लास्ट नेम देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आपका नाम है किसी का नाम राहुल कुमार बैरवा है तो आपको सबसे पहले राहुल यहाँ फिल करना है, यहाँ आपका राहुल फिल करना है। अब कुमार दोस्तों यहाँ पे मिडिल नेम हमारा क्या हुआ कुमार, तो आपको यहाँ कुमार और बैरवा और ये बैरवा लास्ट नेम आपको इस प्रकार से फिल कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम फिल कर देना है, फिर आपको कन्फर्म यानी फर्स्ट नेम फिर से कन्फर्म कर देना है, मिडिल नेम दे देना है आपको, यहाँ पे फिर से कन्फर्म मिडिल नेम कर देना है, लास्ट नेम दे देना है और कन्फर्म लास्ट नेम कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप सब जानते होंगे कि मिडिल नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम क्या होता है। जिसका नाम राहुल कुमार अग्रवाल है तो आप राहुल पहला नाम हो गया और कुमार मिडिल नेम हो गया और अग्रवाल लास्ट नेम हो चुका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर फिल कर देने हैं, जैसे मैंने फिल कर दिए, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यदि दोस्तों आपके पास अल्टरनेटिव नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं यदि आपके पास हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है और कन्फर्म ईमेल आईडी कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ईमेल आईडी इस प्रकार से लिखनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको @ वगैरह नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे जीमेल यदि आपकी gmail.com हो तो gmail.com पे क्लिक कर दीजिए या अदर हो तो अदर पे आपको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैं gmail.com हो तो मैं इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दोस्तों पूरी आपको फिल कर देनी है जिसे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे @gmail.com सिर्फ ऊपर वाले में ही ये आपको नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे आपको gmail.com फिल करके बता देता हूँ इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर देना है। यदि आपकी कैप्चा कोड समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे रिफ्रेश का करके भी इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से फिल करके यहाँ पे 7x पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको स्वर करने के बोलेगा तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका रजिस्टर नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आपको इसको नोट कर लेने या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा और पासवर्ड भी आपके इस प्रकार से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फोटो एंड साइन अपलोड कर देने हैं। दोस्तों मैं इसको अपलोड करके बता देता हूँ। दोस्तों इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फोटो एंड साइन कैसे अपलोड करें SBI फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल आपको फोटो एंड साइन अपलोड करके बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने फोटो एंड साइन अपलोड कर दिए इस प्रकार से और यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
दोस्तों जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा इस प्रकार से। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी फिल करनी होगी, जो भी आप कैटेगरी से हो। तो मान लीजिए मैं एससी से हूँ तो मैं एससी पे क्लिक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सब कास्ट यानी आपके जो कास्ट हो, जो भी आप लगाते हो एससी में, बैरवा, खटीक, जो भी आप लगाते हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बैरवा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैरवा लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों यदि आप पर्सनल डिसेबिलिटी से कुछ हो तो इसको यस करें, तो इसको नो कर दो। मैं इस पर नो पे क्लिक करता हूँ, इसको नो कर दीजिए आप। इसमें आपके पास कुछ नहीं है, देखिए सब नो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है वेदर डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यदि आप जम्मू और कश्मीर के इस दौरान रहे होंगे इस बीच के, देखिए तो आप इसको यस करें, अन्यथा इसको नो कर दे। तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद रियलाइजिंग टू विच टू यू बिलोंग, यानी आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दिया है। यदि आप दोस्तों माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक में आते हो तो आप इस पे यस करें, ना तो इसको नो कर दे। तो मैंने इसको नो कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यदि आप एक्स सर्विस में तो इसको यस करें, ना तो इसको नो कर दे। तो दोस्तों यदि आपने पहले कभी इसमें एग्जाम दिया हो HPIPO का, तो यदि आप उसमें प्री में फेल हो गए या अटैम्प्ट नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है कि आपने दो बारी किया है, तीन बारी किया है। तो मैंने कुछ एक बारी भी नहीं किया, तो मैं यहाँ पे जीरो फिल कर देता हूँ। दोस्तों इन सबको आपको नो कर देना है। यहाँ पे यदि आपके पास पेन नंबर हो तो आपको पेन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप जिस स्थान से, जिस जगह से रहते हो आपको वहाँ फिल करना है। देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर फॉर प्राइमरी एग्जामिनेशन, यानी आप जिस स्टेट में एग्जाम सेंटर देना चाहते हो आप वहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। तो मैं राजस्थान से करूँगा तो यहाँ पे डाल दिया, अपना आप यहाँ पे स्टेट कोड ले लेगा। इसके बाद दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे राजस्थान में, तो आपके यहाँ पे देखिए राजस्थान में जो जो जिले हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो तो वहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं जयपुर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं देखूँ यहाँ पे देखिए फिर से स्टेट आ चुका है आपके सामने, तो फिर से मैं राजस्थान पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे दोबारा भी मैं जयपुर फिल कर दूँगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो दोनों मैंने यहाँ पे एक जैसे फिल कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको जेंडर फिल चूज कर लेना है, जो भी है, और यहाँ पे अपनी आप शादीशुदा हो या नहीं हो वो आपको चूज कर लेना है। तो अनमेरिड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम देना है, जो भी आपके फादर्स नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है, जो भी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर देनी है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको स्टेट दे देना है, यहाँ पे अपने पिन कोड दे देना है और आपको सेम इस पे क्लिक कर देना है चेकबॉक्स पे। यहाँ पे आपके देखिए चूज ऑफ द एड्रेस फॉर GST इनवर्सिंग, तो यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके अमाउंट जो देखिए SC ST के ₹125 लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको वैलिड योर डिटेल इस पे क्लिक करके देख लेना है कि सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है वन मोर एरर्स, तो आपके सामने कुछ एरर है। यहाँ पे देखिए इनवैलिड वैल्यू फॉर फादर्स फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम गलती आ गई है, तो आपको फिर से यहाँ पे इस प्रकार से फिल कर देना है। कई बार नहीं लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हट चुका है, इस प्रकार से आपको फिल कर देना है और यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आपको यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल चेक कर लेनी है कि मैंने सही से फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको फिर से क्वालिफिकेशन मांगता है, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन की जो आपने पास की है या नहीं की है। तो मैं यहाँ पे पास्ड हूँ। यदि आप अपग्रेड तो अपग्रेड भी क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अपग्रेड करने पे दोस्तों आपको जिससे हो तो आप इस पे क्लिक कीजिए। आर्ट साइंस जिससे भी हो यहाँ पे आर्ट्स डालिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी आप करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोटा डाल देता हूँ और यहाँ पे पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यदि आप जो ये दोस्तों ये SC ST और माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है, जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसको यस कर दीजिए, अन्य तो उसको नो कर दीजिए, ठीक है। मुझे नहीं लेना है तो इसमें इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने लैंग्वेज चूज कर लिए, हिंदी इंग्लिश जो भी मैं इसमें एग्जाम देना चाहता हूँ। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक आपको करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके इस प्रकार से देखिए पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। आप पूरा फॉर्म देख ले अच्छी तरह से और यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे, फिर यहाँ पे चेकबॉक्स पे और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले सिक्योरिटी कोड फिल कर देना है इस प्रकार से और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों इसके दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट पे ले जाएगा, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, यानी आपका कार्ड एक्सपायर कब होगा, इसके बाद सीवीवी, कार्ड होल्डर नेम और मैक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मैक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे आपका पेमेंट जमा हो जाएगा और आप उसकी प्रिंट ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।